इससे पिछली वीडियो जो मेरी पालगढ़ पे थी वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताई थी, एक एनालिसिस करने के लिए बताई थी, एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि ये घटना है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है। लोगों ने मुझ पे या उस वीडियो पे ये रिएक्ट किया कि मैंने खुल के करी आया नहीं, खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, मैं सेकुलर हो गया हूँ और मैं एंटी हिंदू हो गया, पता नहीं क्या क्या। किसी को भी मेरा रिएक्शन जानना है? रिएक्शन मेरा ये है कि जब मुझे पता चला कि उन दोनों साधुओं के साथ क्या क्या हुआ, जब मैंने वीडियो देखी तो मेरा रिएक्शन ये था। वहीं रोक साले में यार। लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा क्राउड नहीं, क्योंकि मेरे पास उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, उतनी सुविधा नहीं है, मैं कोई गैंगस्टर तो हूँ नहीं कि जाके खड़ा करके सबको चिन्हित करके मार दूँ। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं ऐसा कर देता, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर सरकार से आदमी मांग करता है, आदमी मांग ये कर रहा है कि एक CBI जाँच हो। तुम लोगों से, जनता से ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को वायरल करो, हर उस वीडियो को वायरल करो जिसमें एक मैसेज हो, जिसमें एक डिमांड हो, नहीं तो अपनी डिमांड के साथ सामने आओ और उस वीडियो को वायरल कराने की कोशिश करो, क्योंकि सरकार के नाक में दम नहीं होगा, CBI जांच नहीं होगी, लोग सामने आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट कराएगी तो बायस हो सकती है, क्योंकि उनकी खुद की पुलिस मिली हुई थी और इन दलों से जो NDTV वाले हैं, इतने बड़े दल चोर हैं, हरामखोर हैं साले, कि जब मुसलमानों के साथ होता तो चिन्हित करके बताते हैं कि इतने मुसलमान मरे, लेकिन हिंदुओं के साथ हुआ तो 3 men कुछ लिख रहे हैं, 3 thieves, पता दल्ला मीडिया कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। गुस्सा मेरे अंदर भी बहुत है, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन अगर बोलने से वो दोनों बच जाते या उन दोनों को न्याय मिल जाता तो पूरी दुनिया बोल रही है। कम से कम अगर 10 लोग चुपे हैं, अपना हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं, पाखंड दिखा रहे हैं कि हम दुगलाई करेंगे जब मुसलमान के साथ होगा तभी बोलेंगे, तो 50 लोग बोलने के लिए भी खड़े हैं। अभी हिंदू इतना ही चोर नहीं हुआ है और बुजदिल नहीं हुआ है, बोलने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन फ़ायदा एक्शन लेने से होगा। और यहाँ पे हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, मैं भाषणबाजी बहुत कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं कल को कुछ करने जाऊँगा तो गलत में ही साबित हो जाऊँगा, तब तुम लोग भी साथ देने नहीं आओगे। इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैं प्यार से बस समझा रहा था। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे कल गाली दे रहे थे कि मैं क्यों नहीं गाली दे रहा, मैं क्यों नहीं उखड़ रहा, मैं सेकुलर हो गया हूँ और पता नहीं किसी मुल्ले की पैदाइश हो रही है, वो तुम लोगों ने क्या कर लिया, बस कमेंट में कमेंट कर लिया, एक आध चीज़ें न्यूज़ देख ली, शेयर कर दिया, कुछ उखाड़ा तो तुम लोगों ने भी कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को शेयर करो, या जिस वीडियो को, जिस न्यूज़ को शेयर करना जिसका समर्थन करते हो, उसको उस हद तक आगे पहुंचाओ कि उसका मैसेज एक बड़े समाज तक जाए, समाज आक्रोशित हो, एक एजेंडा बने और जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पटक दिया जाए, कहा जाए कि करो CBI जांच का आदेश। सेंटर में मोदी जी बैठे हैं ना, उनको हम लोग यही मानते हैं ना कि हमारे हिंदू समाज को बचा लेंगे या फिर भारत का भविष्य उनके ही हाथों में है, बहुत भाजपा को वोट देते हो, नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी, सब चीज़ें, तो करो ना डंडा। मोदी जी का एक ट्वीट भी क्यों नहीं आया, डंडा किया किसी ने? मतलब तुम कहीं ना कहीं असफल रहे, कहीं ना कहीं वहाँ तक बात नहीं पहुँची, और पहुँची तो इतनी ताकत से नहीं पहुँची कि वो ट्वीट करने पे मजबूर हो जाए कि नहीं सजा मिलेगी, CBI जांच होगी। समझ में आ रहा है? तो करना पड़ेगा। कम से कम अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने कोई ट्वीट नहीं देखा, अगर इसके बाद कुछ आता है तो मुझे नहीं पता। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उधर तो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उनके हाथ में है, सारी बायसनेस से जिन पार्टियों से जुड़े हुए हैं ना उद्धव ठाकरे, वो लोग ज़्यादा भारी पड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे पे और बाला साहब ठाकरे की मानसिकता पे। अगर बाला साहब ठाकरे होते तो किसी की औकात नहीं थी कि कोई भी हिंदुस्तान में या स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में कोई किसी को इस तरीके से मार सके। उनकी बोली, उनके शब्द, उनसे सब कांपते थे। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि तरीका सिर्फ यही है कि बात पहुँचाई जाए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए, आक्रोश दिखाया जाए, इस तरीके से, इस माध्यम से। रोड पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस माहौल से आप खुद का भी नुकसान करेंगे, देश को 4-6 महीने के लिए और लॉकडाउन बढ़ाना पड़ जाएगा अगर रोड पर उतरे तो। बुद्धि से काम लीजिए और इसको सजा दिलाने की कोशिश करिए, और सिर्फ फांसी से नीचे कुछ नहीं, और जल्द से जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।